एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड बेबी लवर्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो कहाँ से शुरू हुआ, अचानक दाल दिखाने लगी, वो भी मूंग की। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज है संडे और आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग की दाल के मंगौड़े। तो इस दाल को मैंने रात में अच्छे से धोकर, 3-4 पानी से धोकर भिगा दी थी, और जब वो अच्छे से भीग गई तो सुबह भी धोकर सारा पानी निथार दिया है। अब उसके बाद मैं इसको पीस लूँगी और पीसने के बाद मैं बनाऊँगी इसके मंगौड़े। वैसे तो सबको ही आते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसमें मैंने थोड़े से लहसुन भी डाली है पीसने में, हरी मिर्च भी डाल ली है, और थोड़ा सा अदरक का 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि खड़ी चीज़ें डालो ना, तो हमारे यहाँ जैसे आयु छोटा है उसके मुँह में आएगा तो वो भी नहीं खाएगा, इसीलिए मैंने इन सब चीज़ों को तो पीस लिया है। और यहाँ पर मैं प्याज बारीक बारीक काट लूँगी। चाहे तो हम प्याज स्किप भी कर सकते, नहीं डालें, बट हम लोगों को अच्छा टेस्ट लगता है प्याज का। तो प्याज तो मैं डालूंगी, ज़्यादा नहीं, जितना अपन वो पकौड़े बनाते हैं ना प्याज के, उतनी प्याज नहीं डालूंगी, थोड़ी प्याज डालूंगी, थोड़े हरा धनिया डालूंगी, और फिर बस इनको अच्छे से मिला लेंगे। नमक और थोड़ी सी हींग भी डाल दूंगी, अगर आपको लगता है तो डालो, नहीं तो नहीं डालो। मैंने बेसन से तो कम ही डाली है। और उसके बाद अच्छे से मिला के इनको डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मेरे मंगौड़े तैयार हो गए हैं। और साइड में बनाया मैंने पोहा, क्योंकि हमारे सबको पोहा बहुत पसंद है और अब सब खाएंगे। और अभी बन चुका है, मेरे मंगौड़े बन चुके हैं, पोहे बन चुके हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए हमारे यहाँ सब पोहे प्रेमी इतने हैं कि उनको कोई भी ब्रेकफास्ट हो लेकिन उस वक्त पोहा बहुत जरूरी, तो पोहा बन गया। अब मैं और दीदी जा रहे हैं खाने। तो चलो पहले दीदी से पूछती हूँ वो रेडी हो गए कि नहीं हो गए और क्या कर रही हैं, फिर हम लोग खाना खा। दीदी चलो आ जाओ। क्या हुआ, क्या हो गया? बॉल तेरा वजह क्यों घूमे मुझे? देखो कितनी अच्छी दिख रही है, देखो देखो। फिर आपको पता मैं ऐसे डाल देती हूँ कुछ। चलो भाभी और ले लेना। चलो देखते हैं आयु क्या कर रहे हैं। बाप रे। और यहाँ पर आयु ने, जब तक सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, आयु ने देखी अपने सारे एनिमल्स, जितने भी टॉयज थे, जितने कुशन थे, सब नीचे फेंक दिए और खुद ऊपर चले गए हैं। अब उन्हें ये है कि यहाँ पर तो कोई देखने आएगा नहीं, सब वहाँ बिजी हैं, तो बस इनकी ये मस्ती चल रही है। देखिए कैसे खड़े हैं। और टीवी ऑन होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनका दिमाग सुबह से ही ख़राब हो जाता है। क्या देख रहे हो बता तो दो। क्यों तो क्या देख रहे हो टीवी में, ये तो बता दो माँ को। ये कौन आ गया? चिकन। बच्चों की आधी टीचर तो टीवी हो गई है, टीवी आधी ज्यादा चीजें सिखा देती है। अरे बाप रे। आ जाओ, क्या खाना है? आओ, क्या खाना है? आओ, क्या हो गया? अरे अरे देखो मशीन के साथ डांस कर रहा है, डांस कर रहे हो? अरे बाप रे, गुस्सा आ रहा है। क्या खाना है? सो फ्रेंड्स, भाई साहब और इन्होंने और बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, और अब मैं और दीदी कर रहे हैं, और आयु भी आ गए हैं हमारे पास। तो आप लोग भी आ जाइए, हम लोग साथ करिए ब्रेकफास्ट। और दीदी ने कस्टर्ड भी बनाया था तो वो भी हम खा रहे हैं। तो कस्टर्ड में हमारे पास ज़्यादा फ्रूट्स अवेलेबल नहीं थे, पर जितने थे उतने ही हमने बनाए हैं। फिर तो मैं दोनों में से जो ज्यादा सही लगे वो तुम सिलेक्ट कर लेना। हाँ बेटा, तुम कौन ले लेते? मैं बहुत चेहरा तो दिखा दो।
अभी आएगा ही। ले लो बॉबी, बॉबी कहते चाची आप दिया करो, मैं लूंगा तो कम लूंगा। कैप्चर बॉबी को कर लिया वीडियो। हाँ बॉबी गाइस आयु आ चुके हैं नहाकर, और ये देखिए ना, पहले तो ये इतने अच्छे से नहा लेता था लेकिन अब नहाने में इतना रोता है, और अब मैं दे रही हूँ इसको दूध। दूध लो आयु, दूध किलो क्यों? अरे वाह, गुड बॉय आयु, इज अ गुड बॉय। ये देखो ऐसे ऐसे, ये देखो एलिफेंट एलिफेंट। सो फ्रेंड्स, अब मुझे मौका मिला है आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि क्या होता है सुबह उठो, सुबह के सारे काम करो, सब करना, सबको ब्रेकफास्ट वगैरह देना, और उसके बाद आज आयु का मूड थोड़ा सुबह खराब था, तो क्या हुआ उसके साथ मुझे बहुत देर, नहाने के बाद ना उसके साथ मैं बहुत देर तक बैठी रही, उसके कारण मेरी पूजा लेट हो गई और मेरा जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना था वो सारी चीजें लेट हो गई। और फिर क्या होता है ना, दीदी के पास भी बहुत सारे काम रहते हैं इधर उधर, वो भी कुछ ना कुछ करती रहती हैं, फिर भी उन्होंने मेरी हेल्प करी तो हमने फटाफट नाश्ता ब्रेकफास्ट बना लिया, नाश्ता बना लिया, और सबको सब कर भी चुके हैं अब, और अब लगभग 2 बज रहे हैं तो सभी आराम करने के लिए चले गए। तो मैंने सोचा मेरे पास थोड़ा टाइम है तो आपसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने बिल्कुल भी बात नहीं करी। सो आप लोग, सबसे पहले तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और प्लीज सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इस समय हम सबको पता है कोविड कोरोना कितना ज्यादा फैल रहा है, हम कितना अपना ध्यान रख सकते हैं, इसके लिए हमें खुद ही अवेयर होना पड़ेगा। जैसे हम लोग तो क्या करते, वैसे तो नीचे वगैरह जाना सब जगह बंद है, क्योंकि इस समय वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, और जैसे किराने वगैरह की शॉप है तो वो सुबह 2 घंटे के लिए खुलती है, और सब्जी वाले भी बहुत ही कम आते हैं, एक दो आते हैं, तो जैसे हमें जरूरत पड़ी है हफ्ते में हम एक बार सब्जी भर लें, रोज रोज का ना रखें, और जो हमारा ग्रोसरी का सामान है वो भी हम इकट्ठा मंगवा लें, ऑनलाइन फैसिलिटीज भी ऑन है तो हम बार बार ना जाएं, मतलब सेफ्टी के लिए मैं ये चीज बता रही हूँ, क्योंकि हम ऐसा करते हैं, तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करूं और आप लोगों की भी ये चीज बताऊं। तो जैसे ये जाते हैं तो डबल मास्क लगाना, डबल मास्क के लिए जिसमें हम सब, उसके लिए हमें मास्क पहले सर्जिकल मास्क लगाना है, फिर N95 लगाना है, तो ये दोनों मास्क लगा के जाते हैं, प्लस ये ग्लव्स भी पहन के जाते हैं, और उसके बाद आने के बाद मतलब नहाने के पहले ही ये काम करना कर लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद आके अपना नहाना वगैरह करने के बाद फिर हाँ जो हम गरारे करते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं हम लोग जो गरारे करते हैं ना, तो मतलब जैसे जो भी बाहर जाता है या पहले जब ये जाते थे, हाँ तो मैं आप लोगों को बता रही थी, जैसे ये गार्गिल करते हैं, गार्गिल्स करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्लास पानी अच्छा गर्म कर लेते हैं जितना सह सकते हैं, और उसमें थोड़ा सेंधा नमक और हल्दी डालते हैं, फिर उससे ये गरारा गार्गिल्स कर लेते हैं, गरारे कर लेते हैं जो भी हम मतलब बोले, और फिर उसके बाद स्टीम लेना बहुत जरूरी है, वो तो हम बाहर जाएं या ना जाएं फिर भी हम लोग लेते हैं, तो प्लीज आप लोग भी लें, और उसके बाद रात में हम लोग हल्दी वाला दूध पीते हैं, और कभी एक एक दो दिन इनका गैप करके हम वो काढ़ा होता है, काढ़ा दीदी घर पे ही बनाती है, बहुत ही अच्छा काढ़ा बनाती है, कभी मुझे मौका मिला तो मैं जरूर उनके काढ़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मतलब वो किस हिसाब से बनाती है, क्या क्या चीजें कितना डालती है, क्या मसाले डालती है, गुड़ डालती है, हल्दी नमक, कुछ चीजें तो मुझे मालूम है लेकिन सारी चीजें नहीं मालूम है, क्योंकि वही बनाती है, और बाकी जितने ज्यादा ज्यादा वो हेल्दी खाना खाएं, हम घर पे हैं, जैसे भी हो सके अच्छे से इंजॉय करें, सबके साथ रहें, क्योंकि ये घड़ी ये समय ऐसा है कि सबके साथ रहने में ही हमें अच्छा लगता है और रहना भी चाहिए, बाहर तो यार जाना मतलब बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, ये सरकार है इसने लॉकडाउन सिर्फ हमारे लिए लगा रखा है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो लॉकडाउन नहीं लगाएगी तो हम और आप बिल्कुल घर में नहीं रहेंगे, हम किसी ना किसी काम से जरूर बाहर जाएंगे, क्योंकि हमें ना अननेसेसरी काम पड़ते ही हैं, तो इसीलिए उनका लॉकडाउन लगाने का एक मेन कारण ये भी है कि जिनको जो काम नहीं रहता फिर भी वो ना निकले कि बिना फालतू में, तो प्लीज कोविड को ध्यान रखते हुए अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, और जो जो चीज मुझे बन पड़ी, जो जो चीज हम लोग करते हैं, जो हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आप लोग साथ
शेयर करिए। आप लोग कैसे करते हो, आप लोग अपना ध्यान कैसे रखते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आप लोग सुझाव दीजिए कि मैं और आगे वीडियोस कैसे बनाऊं, हम घर में कैसे रहें और क्या चीज हम कर सकते, क्या एहतियात बरत सकते हैं। तो आप लोग अगर मुझे सजेशन देते हैं, मुझे बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं जल्दी से जल्दी इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी। पर सबसे पहले फिर से मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ, अपना ध्यान रखें और बाहर नहीं जाएं। और हमें मतलब सभी को कुछ ना कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि मतलब बहुत ही दुख होता है, लेकिन ठीक है, ये समय ऐसा है। कहते हैं ना कि अगर अंधेरा है तो सुबह भी होगी। जिस प्रकार से अगर ट्रेन एक टनल से गुजरती है तो उस समय अंधेरा हो जाता है, लेकिन जब वो टनल पूरी हो जाती है तो उसके बाद रोशनी भी आती है। तो बस अभी हम उसी टनल में सफर कर रहे हैं। हमें भी ये सोचना है कि आज अगर अभी अंधेरा है तो कल रोशनी जरूर आएगी, फिर वो सारे अच्छे दिन आएंगे, फिर हम सब घूमेंगे फिरेंगे, पार्क में जाएंगे, सिनेमा जाएंगे, अपने दोस्तों यारों मम्मी पापा सबके साथ मिलेंगे, सबके साथ घूमेंगे। तो आज का मेरा ये प्रवचन, आज का ये मेरा वीडियो यही एंड होता है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज टेक केयर।